Good morning, students. Today we will discuss question number 2 of 4.1. Statement 1 question says, we will tell you that daily life के कुछ examples से इसमें बताने की कौन सी quadratic equation से कौन सी quadratic equation नहीं है. हमारे पास given है कि second question का first part area of rectangular block is 528 meter square. हमारे पास area given है कितना 528 meter square. और ये किसका area है? Rectangular block का. मतलब रेक्टेंगुलर फ्लोट है हमारे पास, इसका एरिया गिवन है 528 मीटर स्क्वायर. और हमारे पास गिवन है लेंथ ऑफ द फ्लोट, मतलब लेंथ इज वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ. क्या मतलब है इसका? कि ब्रेथ का ट्वाइस करना है, फिर उसमें क्या ऐड करना है? वन ऐड करना है. तो यहां से ऐड कर लिया हमने ब्रेथ इज इक्वल टू एक्स, ब्रेथ को मैंने एक्स ऐड कर लिया तो लेंथ क्या आएगी? एल इसका मीनिंग इक्वल वन मोर, वन मोर का मतलब है प्लस वन वालेगा, किसमें? ट्वाइस इट्स ब्रेथ, मतलब टू इंटू में एक्स. दोबारा देखते हैं, हमारे पास लेंथ इज वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ का मतलब क्या है? कि लेंथ है के प्लेस पे आ गया, इसका मीनिंग इक्वल वन मोर, वन मोर का मतलब प्लस वन किया, किसमें? ट्वाइस ऑफ ब्रेथ में. तो ये हमारे पास एल आ गया और बी हमारे पास क्या है? एक्स है. तो हमारे पास एरिया कितना था? 528 मीटर स्केयर. और एरिया का फॉर्मूला लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ. तो एल के प्लेस पे क्या आ जाएगा? 2x प्लस 1. और ब्रेथ के प्लेस पे क्या आ जाएगा? x इज इक्वल टू 528 इज इक्वल टू 528. अब यहां से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आएगा? 2x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 528. तो यहां से क्या आएगा? 2x स्क्वायर प्लस x माइनस का 528 इज इक्वल टू 0. अभी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, वैसे इसको आगे सॉल्व नहीं करना, बट हम भी इसको फिर से सॉल्व कर लेंगे कि एक्स की पॉजिटिव वैल्यू क्या आएगी. मतलब यहां से मुझे फैक्टर ना आए और बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म ऐड करके बनाना चाहिए और मल्टीप्लाई करके, मल्टीप्लिकेशन होती है हमेशा फर्स्ट और लास्ट टर्म की. तो क्या आना चाहिए? माइनस 1056. मतलब मुझे इसके फैक्टर ना आने, बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म ऐड करके 1056 आना चाहिए, ऐड करके बनाना चाहिए, मल्टीप्लाई करके 1056 आना चाहिए. देखते हैं क्या क्या फैक्टर बनेंगे इसके. 528 264 132, और यहां से 66 33 48 16 32. देखते हैं 32 और 33 शायद बनेंगे. 33 में से 32 का इवन आएगा और 33 को 32 से करेंगे तो क्या आएगा? देखते हैं 6 9 9 6 1056 आ जाएगा. तो यहां से क्या बदलेगा? हमारे पास दो नंबर कौन से आएंगे? 33 एंड 32. तो x स्क्वायर, अब x को मैंने स्प्लिटिंग किया मिडिल टर्म, तो उसको मैंने क्या लिखा? इसको ऐसे लिख दिया हमने -32x + 33x, क्योंकि हमें पता है कि -32 + 33 कितना आएगा? प्लस का 1x. यहां से क्या कॉमन आ रहा है? 2x. क्या रह जाएगा अंदर? x - 16. और यहां से क्या कॉमन आ रहा है? 33. क्या रह जाएगा? x - 16 = 0. और इनमें से क्या कॉमन आ रहा है? x - 16. और यहाँ पे क्या आएगा? 2x + 33 = 0. तो यहाँ से क्या आएगा? x - 16 = 0 और 2x + 33 = 0. तो यहाँ से x की वैल्यू 16 आ गई और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी? -33/2. अब x हमने किसको लेट किया था? ब्रैक्स को. हमें पता है कि ब्रैक्स कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, तो हमारे पास ब्रैक्स कितनी आ गई? 16 आ गई. तो लेंथ कितनी आएगी? 2 × 16 + 1, मतलब लेंथ कितनी आएगी हमारे पास? 33. लेंथ भी आएगी और हमारे पास ब्रेथ भी आएगी. क्लियर? वैसे तो क्वेश्चन में यही तक करना था, बट आगे जब हम 4.2 में पढ़ेंगे ना, तो 4.2 में हमारे पास एक क्वेश्चन आएगा, उसमें लिखा हुआ है कि सेकंड क्वेश्चन को हमने स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से, मतलब फर्स्ट एक्सरसाइज के सेकंड क्वेश्चन को हमने स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से करना है, फिर उस केस में भी दोबारा करना पड़ेगा. क्लियर?